मैरी क्रिसमस गाइस। मैरी क्रिसमस गाइस, एक बार फिर से आ गया है हमारा बढ़िया सा क्रिसमस का त्यौहार, बिल्कुल है ना। ठीक है, तो आज इससे जस्ट कुछ दिन पहले ही हमने अभी 20 तारीख को अपना सेकेंड एनिवर्सरी मनाई है। बहुत बढ़िया, वहाँ पे हमने प्रोसेको खोली थी। क्यों भाई? प्रोसेको खोली थी और प्रोसेको का वीडियो आप जाके देख सकते बिल्कुल हैं, देखना। कितना एंटरटेनिंग था वो आप खुद बताइए। और बहुत मजा आने वाला इस वीडियो में, क्योंकि उसमें कुछ हमारा बैक स्टेज भी रहा है। बिल्कुल, थोड़ा सा बैक स्टेज सीन हमने वहाँ पे डाले हैं और इन फ्यूचर भी उस टाइप के सीन आते रहेंगे। फिलहाल के लिए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का ये शो। तो राहुल बताओ क्या लाए हो आज? सेंटा बाबा हैं, कुछ स्पेशल लेके आए हैं, लेकिन क्या स्पेशल लेके आए हैं वो तो मैं जानता हूँ मैं क्या लेके आया, लेकिन भाई तू क्या अचार बना के लेके आया ये बता दे पहले मेरे को। अचार नहीं है भाई, मैंने सोचा कि मोस्टली अराउंड द ईयर तू ही पिलाता है कुछ ना कुछ। बिल्कुल, आज मैंने सोचा क्योंकि स्पेशल मौका है और क्रिसमस पे एक पूरी मील तैयार होती है, तो मैंने खाना तो बनाया है, खाने के साथ ड्रिंक भी बनाई है। ठीक है, वाइन भी पियेंगे बट एक बढ़िया सी कॉकटेल भी पियेंगे, हॉलीडे स्पेशल कॉकटेल। बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, तो आगे चलते हैं जल्दी से, मैं बाकी सारी चीजें टेबल पे इकट्ठी करता हूँ, फिर डिस्क्लोज करेंगे एक एक करके सारी चीजें, बिल्कुल है ना। बिल्कुल, चलिए तो मिलते हैं जल्दी से।
वेल दोस्तों, और राहुल आ गया है क्रिसमस स्पेशल डिनर। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, तो जल्दी से सबसे पहले तो पर्दा हटाया। तितलियां बिखेर दी हैं मुर्गे की, मतलब मुर्गे को ना इसने भाई तितली बना दिया बिल्कुल। तो भाई आज के नाइट स्पेशल है, तो आपने देख लिया कि रवि का चार कैसा है, उसके बारे में भी देखेंगे अभी क्या बढ़िया है उसके अंदर। तो तब तक आप रगा डगरा गिली गिली फोकस मैजिकल नाइट में मैजिक करके दिखा रहा है। और आप आ चुके हैं भाई, दो दो सेंट आपके लिए तैयार, जो हमेशा हर हफ्ते आते हैं, आज पिछले हैं टेंटड़ा। तो किससे स्टार्ट करेगा भाई, पहले ड्रिंक से या पहले चिकन से? भाई पहले करते हैं, पहले शंगरिया बढ़िया लग रहा है, थोड़ा शंगरिया चूज करते हैं। तो चलो जल्दी से बनाते हैं आपके लिए। ठीक है, बनाओ बनाओ बनाओ। देखो ये मैंने ओवरनाइट एक रात पहले करके रख दिया था। अच्छा, ठीक है। अब जो फाइनल चीज है, जब भी आप ये बनाओ, मेक श्योर कि कोई भी फिज वाली ड्रिंक, यहाँ पे मैं स्प्राइट यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कम चीनी यूज करी थी इसको बनाते समय। ओके, अगर आप चीनी पहले ही डाल देते हो जिस टाइम बना रहे हो, ठीक है, तो आप नॉर्मल स्पार्कलिंग वाटर कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं थोड़ी कम ही मिलाऊंगा, आधी बोतल मिलाऊंगा इसमें। ओके, हाँ, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा मीठा मैंने ऐड किया था, तो ज्यादा मीठा ना हो जाए। ठीक है, इतनी मिलाई है, अगर और जरूरत पड़ेगी तो आप उसको ऐड कर लेना, बट इसको मिलाना बिल्कुल आखिर में, जिस टाइम आप सर्व करना स्टार्ट करोगे उस टाइम पे, बिकॉज अगर आप पहले ही मिला दोगे तो सारा का सारा जो भी फिजीनेस है वो तो खत्म हो जाएगी, तो फिर कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इसको करते हैं मिक्स। ये कर लिया आपने मिक्स, वाओ। ठीक है, अब हम सबसे पहले लेंगे कुछ फ्रूट्स, ज्यादा नहीं, कुछ फ्रूट्स। ठीक है, इसको ऐसे देखने में लग रहा है बहुत होगा। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जो जो आ जाए सब डालो। हाँ, एक इंजेक्शन भी ले लेते करने के लिए। ये आपके लिए, कैसी महक कैसी आ रही है? अभी तो सुन के बता दूंगा भाई। जबरदस्ती नहीं करनी किसी फ्रूट के साथ, जो आना चाहे उसको लाओ, जो ना आना चाहे उसको वापस डाल दो अंदर। सेम रूल फॉलो होता है दारू पीने के लिए, जो पीना चाहे उसे पिलाओ, जो नहीं पीना चाहे उसे मना। उसके लिए भाई फोर्स मत करो उसको, उसके लिए स्प्राइट लाके दे दो, जैसे हम अपने कैमरामैन के लिए ला देते हैं हर बार, है ना कैमरामैन ब्रो। तो भाई देखो, स्पार्कलिंग वाले थोड़े से झाग दिख रहा है इसमें आपको, हल्का फुल्का तो है ना, मेरे में फ्रूट्स थोड़े ज्यादा आ गए, कोई आपको चेंज कर दे लो। नहीं बिल्कुल नहीं। तो कैसी स्मेल?
हल्का सा वही है, वेनेगर का फ्लेवर आ रहा है, खट्टा मीठा सा है। हमने इसमें ये इस्तेमाल करी है पोर्ट वाइन, और पोर्ट वाइन इस्तेमाल करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखो सबसे पहली बात मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप कॉकटेल बना रहे हो ना किसी भी टाइप का, उसमें ज़्यादा महंगी चीज़ें इस्तेमाल मत करो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, एक्चुअल टेस्ट आता ही नहीं है। तो जो इजिली अवेलेबल है, जो सस्ते से अवेलेबल है वो लो, ठीक है। दूसरी चीज़, पोर्ट वाइन स्पेशली इसलिए डाली क्योंकि जो पोर्ट वाइन को जो बनाया जाता है तो उसमें जो एक्चुअल जो वाइन बनती है उसका ग्रेप कॉन्सेंट्रेट बचा हुआ जो रह जाता है वो इस्तेमाल करते हैं, और थोड़ी सी ब्रांडी को ऐड करते हैं। अब जो ये शांग्रिया बनता है, जी हाँ इसका नाम है शांग्रिया, तो जो शांग्रिया बनता है उसमें ब्रांडी ऐड की जाती है टेस्ट को एनहांस करने के लिए। तो अगर आप पोर्ट वाइन यूज़ कर रहे हो उसमें तो वैसे ही ब्रांडी होती है। ओह ग्रेट, है ना, मनी सेविंग। चले स्टार्ट करें। चीयर्स। बढ़िया यार, है सौदा बढ़िया भाई, मजेदार, रिफ्रेशिंग है ना, और पता है गर्मियों के लिए भी अच्छा है। बताया था ना कुछ बढ़िया बनाऊंगा इस बार स्पेशल। हाँ मजा आ गया, एक नंबर सौदा भाई। अब थोड़ा गरम गरम इसी के साथ चिकन हो जाए तो ओए होए, इसका थोड़ा करो साइड में। सबसे पहले तो देखो इंडिया में चिकन की डिश और उसके साथ चटनी ना, ठीक है, और चटनी स्पेशल। अरे भाई रुलाएगा क्या तू मेरे भाई, रुलाएगा क्या तू मेरे भाई, रुलाएगा क्या। बस बस वो बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ना, मतलब प्याज भी आ गया, चटनी भी आ गई यार, कमी नहीं छोड़ी यार, हरी मिर्च भी लाया यार। तो चलो चलो स्टार्ट करो। कसूता है भाई, अभी 2 दिन हरियाणा रह के आया तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है इसके, आज हरियाणा में भाई हम तो आधे हरियाणा में है भाई, तब तक आ रहे हैं। चलो जी करें, कौन सा खींचोगे, लेग पीस? हम भी लेग पीस खींचेंगे ना, मखमली टूटा है ना, पकाया भाई ढंग से। बस को तो चेयर्स करके खाते हैं, तो मेरा खा मैं तेरा खाऊं। कैश ब्रो, कैसा भाई इस मुर्गे की शादत बेकार निकली। प्यार से टूटा है ना, जूसी है अंदर तक, सूखा नहीं है बिल्कुल भी भाई। पता नहीं तू क्या करके मानेगा आज। देखो छोड़ो यार, भाई देखो बाद में खाएंगे, बात के लिए भी छोड़नी, पता चला वीडियो पे ये रिव्यू का वीडियो मुकबांग में कन्वर्ट हो गया। चुप रहे मत चल भाई, बल लिटरली मेरे पास शब्द नहीं बताने के लिए, बहुत टेस्टी बना है चिकन, वाकई है बहुत टेस्टी है। मतलब कैंग्रिया जो उससे पहले था वो तो थी, ड्रिंक अच्छी थी, लेकिन चिकन बहुत ऑसम है भाई, क्रिस्पी है, सबसे बढ़िया पार्ट इसका रेसिपी का ये भाई है, इसके जितने भी मसाले डले हैं बिल्कुल एक्यूरेट है, कुछ भी आगे पीछे नहीं है, और जो टेस्ट आ रहा है उसके अंदर से बिल्कुल बढ़िया जूसी है चिकन, अंदर से बढ़िया तरीके से पक चुका है, बेस्ट है, जरूर ट्राई करना, मस्ट ट्राई रेसिपी है भाई। और भाई सबसे बड़ा पार्ट ये है, इसकी तरह जैसे इसने कट मारे ना ये वाले, बिल्कुल मसाले बटरफ्लाई कट, इसको भाई ये जरूर मारना भाई, ये मैं आपको बता दूं ये कट मस्ट है भाई, क्योंकि दिखा भी देता हूँ अगर ये मुर्गा ऊपर हो पाए, ये जो कट है ना, ये जो कट है ना भाई, ये कट मस्ट है भाई, ये कट मार देना इसके ऊपर, हार्ट बन गया एकदम बढ़िया। हाँ हिलाते जाओ तुम। नहीं नहीं मैं तो खिलाता भी जाता हूँ लोगों को। चलो साइड कर दे, भी जरूरी है ना, साइड कर दे, बिल्कुल साइड कर दो, बाद में ज्यादा साइड मत करना बस। वेल राहुल देख मेरा तो हो गया, राजू अब तेरा क्या होगा, बिल्कुल तेरा क्या होगा। तो भाई शेंगदिया वाकई बहुत मस्त है, चिकन मस्त है, तो अब आते हैं अपनी वाइन पे। बिल्कुल वाइन के बिना क्रिसमस डिनर अधूरा रहता है, हर किसी में डलता है। बिल्कुल अपनी वाइन है सैंटी ग्रोवर जैम्पा जो थे उनका ये क्रिएशन है, उन्होंने ये वाइन बनाई है हमारे लिए और आपके लिए लेके आए हैं। इसके वाइन का नाम शिराज क्यों है? शिराज जो है एक्चुअली इसमें एक डार्क स्किन कलर का जो ग्रेप होता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में करता है, जो कि मेनली ऑस्ट्रेलिया ओरिजिन में पाया जाता है और बहुत ही कम कंट्रीज के अंदर उसकी ग्रोथ होती है, वो उसके अंदर इस्तेमाल करा जाता है, इसलिए इसका मेन नाम वो भी रखा गया है।
ठीक है, तो हाँ शिराज ग्रेप, ज्यादातर वाइन्स के जो नाम होते हैं जैसे पिनो नोयर हो गया, शिराज हो गया, ये सब क्या है, ये वो ग्रेप्स के नाम है जो मेन इंग्रेडिएंट यूज होता है, ठीक है। तो पिनो नोयर भी एक ग्रेप का नाम है, शिराज भी एक ग्रेप का नाम है, इससे पहले प्रोसेका की थी हमने प्रोसेको, वो भी एक ग्रेप का नाम है, ठीक है। और ऐसी शैंपेन में भी जो एक पर्टिकुलर ग्रेप होता है उसका भी एक नाम है, और बात करेंगे कभी, फिलहाल आगे बढ़ो। सबसे पहले आप देख रहे होंगे बॉटल काफी जेंटल सी है, अच्छी सी वाइन की बॉटल है, और इसके आगे आपको दिख रहे होंगे काफी सारे कार्टून, ठीक है ना। ये जो फेमस कार्टून है मारियो मिरांडा, ये वहां से ये पिक ली गई है और वो इसकी बोतल पे डाली गई है, तो वो लोगो वहां से इंस्पायर्ड, लोगो वहां से इंस्पायर्ड है भाई, फेमस कार्टून है ये, बहुत फेमस कार्टून हुआ था एक टाइम पे, तो ये मारियो मिरांडा से ली गई है, वहां से डाली गई है। तो बातें ना गवाते हुए फोर करें, तो भाई फोर करते हैं। तो भाई वाइन को पीने का एक खास तरीका है, वो हम आपको बताएंगे, अभी इतनी क्यों कर रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा आगे। चलो जब तक ये पोर कर रहा तब तक मैं कुछ और बातें बता देता हूँ। जो ये सांटे वर्ड है, जो इसका नामकरण हुआ है, ये एक्चुअली फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मतलब होता है चेयर्स। चेयर्स, तो चेयर्स, चेयर्स। तो जब तक हम इसको थोड़ा सा घुमा रहे हैं, इसमें थोड़ी सी एयरिंग दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा हवा दे रहे हैं, थोड़ा खुलेगी, तब तक मैं कुछ और बातें बता देता हूँ। बताओ। हाँ, जैसे कि ये इसकी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी 1960 में, ठीक है। तब इन्होंने एक्चुअली में सब कुछ बनाना स्टार्ट किया था, और इनको एक बढ़िया सा ब्लेंड लाते लाते 1995 यानी कि 1995 तक का टाइम लग गया था। बिल्कुल। बट उसके बाद इन्होंने एक नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत सारे वेरियंट निकाले, ये सबसे इनका स्टार्टिंग वेरिएंट समझ लीजिए, इसके अलावा और भी अच्छे वेरिएंट आते हैं वाइन में, ठीक है। और इंडिया में ये एक बहुत बड़ी वाइनरी है इनकी खुद की, काफी अच्छे खासा इनका हिसाब किताब है इंडिया में, ग्रोवर जैम्पा नाम से। एग्जैक्टली। ये इस वाइन के बारे में ज्यादा और तो कुछ है नहीं, जो भी है वो हम और जब आगे वेरिएंट लाएंगे उनमें कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, सारा इसी वीडियो में बोल देंगे, तो आगे के लिए कुछ बचेगा नहीं, बचेगा नहीं, है ना। तो चलिए जल्दी से अब इसकी करते हैं नोजिंग, और उससे पहले स्टार्ट करेंगे कलर से। कलर बता। कलर मेरे को थोड़ा लाइट रेडिश लग रहा है, जैसे रूअफ़ज़ा का होता है ना, कुछ मेरे को थोड़ा सा प्याजी कलर लग रहा है, देसी भाषा में बोलूं प्याजी कलर। तूने भी हद कर दी, चल देसी है तो बढ़िया है, पसंद आया मेरे को, नया कलर, नया वो है एवरीडेजाद प्याजी कलर। बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा सा तो जैसे ये बैरी का कलर होता है ना, बिल्कुल बैरी कलर है, लाइट वाला इसका। मेरे को थोड़ा कलर वाइन का ना थोड़ा लाइट सा लग रहा है, ये कम मेच्योर वाइन है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हल्का सा जब ये ऊपर व्हाइटिस व्हाइटिस टिंट आने लगता है, मेच्योरनेस थोड़ी सी कम है, और बॉडी भी इसकी काफी लाइट सी है, ठीक है। बिल्कुल भी इस पे ड्रॉपलेट्स जो है बहुत जल्दी नीचे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं भाई, म्यूजिक करें। स्पाइस पता चलेंगे हल्के से बहुत ही माइल्ड से स्पाइस पता लग रहे हैं, बाकी सिट्रसी और ग्रेपीनेस, ग्रेपीनेस तो भाई भर भर के है, मतलब वो अच्छा है उसका अरोमा, ग्रेपीनेस अच्छी है। तो भाई दिल्ली में क्या प्राइस होगा इसका? अराउंड मतलब कि लगा 1000 के आसपास में आ जाएगी, 1000 रुपीस के अंडर अंडर आ जाएगी आपको ये मिल जाएगी, 1000 के अंडर ना। अब पहली बात तो दिल्ली में इसको ढूंढ लो, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली के अंदर वाइन लवर कम है, व्हिस्की लवर बहुत बड़े पड़े। एग्जैक्टली, तो मिल जाती है, बट जो प्रॉपर बढ़िया से शोरूम टाइप है वहाँ पे जाके आपको ढूंढना पड़ेगा, मतलब एक्यूरेट एरियाज वगैरह होते हैं जहाँ पे अच्छे पॉश एरियाज होते हैं, वहाँ पे आपको वाइन लवर्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। बिल्कुल, और आजकल तो वैसे भी आपको पता है दिल्ली में क्या हालत हो रखी है वाइन शॉप्स की। खैर, वो बाद में कभी बात करेंगे, ठीक है, दुखड़ा कभी और रोएंगे। फिलहाल नोजिंग कैसी लगी तेरे को? नोजिंग ठीक है, मतलब जो बजट है ना, बजट के हिसाब से ग्रेप का इसमें अच्छा खासा रूम है, ठीक है, अच्छा खासा रूम है। हाँ, टेस्ट करते हैं। चीयर्स। अच्छा, मतलब कि जो स्पाइसी नोट है ना, मालूम पड़ रहे हैं यार पीने में, यार मजा आया। थोड़ा सा ना विनेग्रेटनेस जो होता है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ज्यादा ज्यादा मेच्योर नहीं है, तो थोड़ा सा विनेग्रीनेस है इसमें, विनेगर वाला थोड़ा सा टेस्ट है। देखो, कोई भी वाइन बनने से पहले वो विनेगर में बनती है, उसके बाद उसको और मेच्योर करा के वाइन बनाया जाता है, और स्पाइसेस वगैरह डाल के। डालो भाई, दो मतलब मैं शांगरिया के लिए भी ऐसी पीछ लूंगा। और अगर थोड़ा सा और बताऊँ इसके बारे में, मेरे को ठीक ठाक लगी, मतलब ओके से स्मूथ है, ये नहीं बोलूंगा कि कुछ ज्यादा वैसी है। हाँ, गले में जाते हुए आपको, क्योंकि इसमें स्पाइसेस हैं तो पता चलेगा गले में जाते हुए, क्यों भाई
मेरे को तो भाई इसका अरोमा अच्छा लग रहा है, I really like it. मेरे को तो भाई बढ़िया लगी वाइन ये. मैं कब बोल रहा हूँ बुरी है, अच्छी वाइन है, ठीक है. इट्स नॉट कि बहुत अच्छी स्टार्टर वाइन आपको ये मिलेगी, ठीक है, जिसमें आपको वाकई में ग्रेप के टेस्ट आएंगे. इससे पहले हमने दो तीन स्टार्ट एक दो और वाइन है ना जो जैसे कि आती हैं, सुला से बेटर लग रहा है मेरे को टेस्ट का. हाँ, उस प्राइस रेंज में ठीक ठाक है, मतलब टक्कर दे देगी इसको. बाकी अगर सुला में देखा जाए तो जितना आप ऊपर जाते हो उतनी अच्छी वाइन आती है उनमें. काफी पुराने प्लेयर हैं आज, अब तो उन्होंने एक विस्की भी लॉन्च कर दी जिसका वीडियो अगेन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा एक्लिप्स नाम से. जी हाँ, ठीक है ना, बहुत पुराना वीडियो है बट हमें अभी भी याद है, एक एक वीडियो याद रहता है. ठीक है, तो खैर ये हमारा रिव्यू है इसके बारे में. राहुल तेरे को कुछ और ऐड करना है इसमें? तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये हमारा वाइन का रिव्यू कैसा लगा, और आपको और कौन से वाइन के वेरिएंट पसंद है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा. अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको जो कमेंट बॉक्स में बताया है, आपको जो वाइन पसंद है होपफुली उसका रिव्यू में हम जल्द करेंगे. बिल्कुल, तो जाने से पहले अपनी जाने से पहले सबको बहुत बहुत मैरी क्रिसमस, सेफ ड्रिंक, सेफ ड्राइव, और चैनल को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. बिल्कुल, तो प्यार मिल रहा है, मजा आ रहा है, दो साल कंप्लीट कर रहे हैं, पार्टी भी धांसू हुई है हमारी, और ऐसी आगे धांसू चीजें होती रहेंगी. अभी तो भाई न्यू ईयर भी आ रहा है. बिल्कुल, तो जल्दी से उस पर भी कुछ ना कुछ स्पेशल करेंगे. ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि आज की रात फिर से बैठना है, चिकन और मुर्गा पालना है. ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में. तब तक जाने से पहले जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली. फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए रिव्यू, नए चखने, नई मस्ती मौज के साथ. तब तक के लिए मेरी और राहुल की तरफ से लाइक दोगुना की तरफ से बिल्कुल मैरी क्रिसमस गाइस एंड चांटे चीयर्स.